दोस्तों, मैं जो बात आज कहने जा रहा हूँ मूवी स्काई फोर्स और लाहौर 1947 के लिए लेकर, दोस्तों ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो फाइनली ऑफिशियल हो चुका है कि स्काई फोर्स जो मूवी है वो रिपब्लिक डे पर यानी कि 2025 में जनवरी 25 को ही आएगी, 25 जनवरी 2025 में। तो दोस्तों मुझे समझ नहीं लग रही है यार कि अक्षय कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके सामने राजकुमार संतोषी जी की एक हाईएस्ट मूवी यानी कि कह सकते हैं बड़े बजट की मूवी लाहौर 1947 है, जिसमें आमिर खान का कैमियो है और आमिर खान के प्रोडक्शन में भी बनेगी दोस्तों, उसके सामने फिर से वो गदर वाला सीन दोबारा लेकर आने वाले हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा कि क्या हुआ है, 15 अगस्त को आपकी खेल खेल में वेदा जैसी मूवी को क्लैश करके स्त्री 2 के साथ मुँह की खानी पड़ी। तो अब मैडॉक वालों पर को चलो उनको भरोसा है कि चलो मैडॉक की मूवी है स्काई फोर्स कि उनको अब इतना कदम विश्वास हो गया है कि मूवी हमारी चल सकती है, पर लाहौर 1947 के आगे नहीं चल सकती दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इनको पता नहीं क्या ईगो है क्या नहीं है, ये मेरी समझ से बाहर है। देखिए दोस्तों, 25 जनवरी को है सैटरडे और 26 जनवरी की है छुट्टी, हॉलीडे है, और उस दिन है दोस्तों संडे। अगर मंडे भी होता तो भी मैं मानता, ट्यूसडे होता तो भी मानता, यार कोई छुट्टी का दिन मिल रहा है तो कोई नहीं, कोई बात नहीं, रिलीज़ कर देते हैं। पर दोस्तों संडे को ही हॉलीडे है जबकि होता ही है, तो ये पहली ऐसी मूवी होगी जो सैटरडे को रिलीज़ होगी, ना कि फ्राइडे छोड़कर। दोस्तों क्या हाथ लगेगा, मुझे नहीं लगता दोस्तों अक्षय कुमार का ये डिसीजन उनके लिए सही है, ये डिसीजन उनके लिए बहुत ही गलत है। मानता हूँ कि 2 अक्टूबर इन्होंने रिलीज़ डेट रखी गई थी, बट अब दोस्तों ये रिलीज़ डेट बिल्कुल सही नहीं है, इनको आगे पीछे कर लेनी चाहिए, पोस्टपोन। अगर दोस्तों देखिए, सितंबर भी बिल्कुल खाली है अक्षय कुमार के लिए, अक्टूबर भी खाली है, नवंबर भी खाली है, दिसंबर भी खाली है, यार इतने 4 महीने पड़े हैं तो तुम उस टाइम रिलीज़ कर दो, तो तुम अपने 2025 पे भी क्यों दाग लगाना चाहते हो यार, मेरी तो समझ के बाहर है दोस्तों। माना कि अक्षय कुमार के पास बहुत सी मूवीज़ है, वो उनका करेंगे क्या, ठीक है ना, रिलीज़ तो करनी पड़ेगी, जा आप इसको OTT पर डाल दो। आपको पता है, हमें भी पता है, ये मूवी एक डिसास्टर होने वाली है, और मैं ये चाहता हूँ ये दाग ना लगे, और 1947 के सामने तो बिल्कुल भी रिलीज़ करना जी अपने मुँह पर आप तमाचा मारने वाली बात होगी। सो आप लोगों को क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर जाइएगा। सो थैंक यू।